नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत इस वक्त जज्जर रोड पर खड़े हैं और व्यापारी नेता हमारे साथ हैं। आसपास के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या समस्या आज यहाँ इकट्ठा हुआ? समस्या ये है मोहित जी, पिछले 6 महीने से जन स्वास्थ्य विभाग जो है उसने इस सड़क को तोड़ा था। अच्छा, जन स्वास्थ्य विभाग? हाँ, जन स्वास्थ्य विभाग ने इस सड़क को तोड़ा था। उन 6 महीने के बाद आज तक हमारी जिला प्रशासन से कई बारी मीटिंग हो चुकी है और हम लोग उनके समक्ष अपनी ये मांग रख चुके हैं, अपनी रिक्वेस्ट रख चुके हैं कि जी ये रोड है जो आपके ही एक विभाग ने तोड़ी है, आज 6 महीने हो चुके हैं, इसको आप ठीक करवाने का नाम नहीं ले रहे। उसके अलावा अभी जब पीछे बारिश का मौसम था तो यहाँ पे मतलब 2-3 फुट के खड्डे बने जिसको स्थानीय लोगों ने अपनी तरह से भरवाया। और इससे भी शर्म की बात क्या है, देखिए आपके 6 महीने हो चुके हैं, इस रोड का मलबा यूं का यूं, आप ये देखें इस रोड का मलबा। सड़क को ठीक करना तो बहुत दूर की बात है, इसको मलबे तक को उठाने के लिए जिला प्रशासन ने कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। तो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इसे ठीक करवाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं करवा सकते तो 24 घंटे के लिए इस रोड को बंद कर दीजिए। हम लोग अपने जो हमारा निजी खर्चा होगा उसके ऊपर इसे हम ठीक करवाएंगे। जन स्वास्थ्य विभाग ने मतलब क्या कारण था कि इस रोड को क्यों तोड़ा? आगे कोई पाइपलाइन थी? अच्छा, आगे पाइपलाइन थी। आपको ध्यान भी हो शायद, ये इशू बहुत उठा था। नमस्कार जी, ये इशू बहुत उठा था कि लोगों के घरों के अंदर जो है ना कपड़े निकले थे पानी के, जब उन्होंने तोड़ी ये पाइपलाइन तोड़ी उसके बीच में से कपड़े ठूसे हुए थे और पता नहीं किस कारण से वो बंद करने के लिए रोका हुआ, जानबूझ के रोक रखे थे या क्या कर रखा था। तो आज से 6 महीने पहले जून के अंदर इस सड़क को तोड़ा गया था और आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। सरकार से बात करते हैं, जब हमारी लास्ट 2 महीने पहले जो अपने DC साहब आए यशपाल जी, इनसे मुलाकात हुई तो हमने उनको बोला कि ये सड़क टूटी हुई है जी और बारिश में बहुत दिक्कत हो रही है, 2-पहिया वाहन और 4-पहिया वाहन रेड़ी वाले यहाँ से गुजरते हैं तो रोज चोटिल होते हैं। तो हमने उन्हें कहा था कि जी इस सड़क को ठीक करवाया जाए, मगर अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे व्यापारी हैं हमारे साथ। तो प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला था उस टाइम आपको? प्रशासन कहता जी आप लिखित में दे दो। हम लोग कहते हैं जब आपने एक सड़क तोड़ी है लिखित में हमारे से क्या लोगे, आप आपके विभाग का काम है, अगर आपने इसको तोड़ा तो इसको ठीक भी करवाएं आप। वो क्या लिखवाना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आई, क्या लिखवाना चाह रहे हैं जी? मेरा नाम है सुभेश सिंह साई जी। कम से कम 6-7 महीने बोलिए जी, 6-7 महीने। मैं बिल्कुल यहाँ का एक दुकानदार हूँ, मैं तो सुबह से शाम तक देखता हूँ कि कितने बंदे यहाँ चोटिल होते हैं, कोई थ्री व्हीलर गिरता है, कोई टू व्हीलर गिरता है, और मतलब के नू समझ के बहुत ही परेशान है, सारी जनता परेशान है। रेलवे रोड से सुबह ट्रेनें जाती हैं उसमें कम से कम 2-3 3 व्हीलर तो जरूर से जरूर गिरते हैं, टोटल होते हैं सुबह। इतनी ज़्यादा परेशानी तो हमने शहर के अंदर कहीं देखने को नहीं मिली, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। 6-7 दिन हो गए बारिश के अंदर 2-2 फुट गड्ढे हुए, पीछे हमने अपने निजी मजदूर लगाए गड्ढे भरवाए। अच्छा, अब वो उसके बाद फिर गड्ढे वो मट्टी धूल उठेगी फिर भाई गड्ढे के गड्ढे हो गए, तो इस नाम तक जू नहीं रहेंगे प्रशासन के, पर क्या करें। तो अब आप क्या चाहते हो प्रशासन? हम ये प्रशासन से ये चाहते हैं भाई ये जो ठीक करवा दे, पर मतलब आम आदमी को दिक्कत ना हो। और ये जब जो कह रही है सबका साथ सबका विकास, सरकार ये कह रही है ये विकास, ये तो विनाश कर रही है लोगों को चोटिल करके, ये तो विनाश कर रही है और इससे ज़्यादा क्या होगा बताओ, ये विकास क्या है, ये तो विनाश है। हर हर रोज दिन में 10-5 आदमियों को चोटिल होते हैं तो ये तो विनाश है, विकास कहाँ गया? बिल्कुल, जज्जर रोड पे खड़े हैं और सड़क की हालात एक बार तस्वीरों में नीचे दिखा देते हैं, ये सड़क की हालात है। व्यापारियों का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो ये सड़क तोड़ी गई थी पाइपलाइन को ठीक करने के लिए, 6 महीने के बाद भी सड़क को ठीक नहीं करवाया गया। जिला प्रशासन से DC साहब से कई बार मुलाकात की है लेकिन कोई हल उसका नहीं निकला है। तो अब व्यापारी चाहते हैं या तो प्रशासन इसको ठीक करवा दे या 24 से 48 घंटे के लिए इस रोड को बंद करवा दे, हम अपने निजी लेबर से इसको ठीक करवा लेंगे। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तस्वीरें आप IBN 24 पर रोहतक से देख रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।